आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारे सभी दर्शकों को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चलिए रुक करते हैं हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र की, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष पंडित रविशंकर जी। रविशंकर जी, प्राइम टीवी पर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पंडित जी, आज है दीपावली का पर्व, ऐसे में आज हम जानेंगे कि आज का राशिफल क्या है, लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर आज का पंचांग क्या है। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2080, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी उपरांत अमावस्या है। आज चंद्रमा तुला राशि में स्थित, साथ ही आज का नक्षत्र स्वाति नक्षत्र। सूर्य उदय प्रातः 6:22, सूर्यास्त शाम को 5:17 पर। देखिए पंडित जी, आज दीपावली का पर्व है, ऐसे में हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि आज उनके सितारे क्या कहते हैं, और अगर आज के दिन भी उनके ग्रह भारी है या उनके सितारों की चाल कुछ उल्टी पुल्टी है तो उसका समाधान क्या है। अब पंडित जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मेष, वृष और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। देखिए मेष राशि, पहली राशि मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा संभल कर रहे हैं, साथ ही आज के दिन अगर हो सके तो आप यात्रा न करें। दूसरी राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का समय, आज के साथ क्या दिवाली से लेके आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे। तीसरी राशि मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों को थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना है, साथ ही आपको व्यापार आर्थिक विशेष लाभ होने का योग। ठीक है पंडित जी, कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा संभल कर रहना होगा, मन में शंका हो सकती है, किसी चीज को लेके आप भ्रमित हो सकते हैं, तो ध्यान रखें, मस्तिष्क को ठंडा रखें, साथ ही आपका जो आने वाला आज का दिन है अच्छा रहेगा। पांचवी राशि सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव का दिन हो सकता है, आपको अपने चीजों को बहुत सावधानी के साथ करना होगा, साथ ही अगर आप व्यापार करते हैं तो विशेष पूजा करें, उससे आपको विशेष लाभ होगा। छठी राशि कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, उसके साथ साथ आपको व्यापार में भी विशेष लाभ है, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी विशेष लाभ की संभावना बन रही है। ठीक है पंडित जी, अब आगे की राशियों का रुख करेंगे, तुला वृश्चिक और अगर हम मीन राशि वालों की बात करें तो उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए तुला राशि, सातवीं राशि तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा चल रहा है, खासकर इसी महीने अभी शनि चेंज हुआ है, तो तुला राशि वालों के लिए बेहद खास है, और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपको मन आपका शांत रहेगा। आप आठवीं राशि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है, साथ ही आपको वाहन अगर चला रहे हैं तो आपको सावधानी रखना होगा, साथ ही आप हनुमान जी की पूजा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर रहेगी। नवीं राशि धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए यह समय उनका साथ देगा, साथ ही आपको अगर आपके घर में कोई अस्वस्थ चल रहा है तो उसका विशेष ध्यान रखें, साथ ही आज का दिन आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है। ठीक है पंडित जी, अब अंतिम तीन राशियों की बात करेंगे, मकर कुंभ और मीन, आज जिन जिन की ये राशि है उनका दिन क्या कुछ कहता है, कैसा होगा उनका आज का दिन। देखिए मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है, साथ ही आप न्याय के देवता शनि प्रधान राशि हैं, तो आप विशेष पूजा पाठ करें, उससे विशेष लाभ होगा और आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि महाराज स्वयं विराजमान है, तो आपके लिए आप किसी का अनभला न करें, साथ ही आज के दिन आप विशेष आराधना करें और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी, व्यापार से आपको लाभ होगा, साथ ही
आप अगर नौकरी करते हैं तो उसमें भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आखिरी और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए इस समय जो ग्रह दशा चल रहा है, आज का दिन जो आपके लिए है बेहद खास रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा संभल कर रहे, लेकिन आर्थिक लाभ आपको होने का योग बन रहा है। साथ ही अगर आपसे किसी का मनमुटाव है तो वो आप समाप्त करके आपसी भाईचारा कायम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है पंडित जी, इस कार्यक्रम के दौरान ही लगातार कई सवाल भी हम तक पहुंच रहे थे। कुछ सवाल दर्शकों के सामने आ रहे हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी, उनके उपाय और उसके हल क्या हैं। आज रविवार का दिन और साथ ही आज दीपावली का भी दिन है, ऐसे में आज कौन कौन सी राशि वालों के लिए दिन ज्यादा अनुकूल है और किन किन को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर कोई भी कार्य सोच रहे हैं, दिवाली के बाद भी, आज का ही दिन नहीं, दिवाली के बाद भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है और लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है पंडित जी, यू तो हर एक दिन का कुछ ना कुछ विशेष जरूर होता है, आज का विशेष क्या है? देखिए, आज दीपावली है, पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। विशेष आज का यही है कि आप अगर आपके कुंडली में सूर्य नीच का है या अशुभ अवस्था में है, आपको मानसिक पीड़ा रहती है, अपनी बातें कहीं रख नहीं पाते हैं, संकोच करते हैं, तो आप आज के दिन से ही शुरुआत करिए सूर्य को जल देना, वो आपके लिए विशेष रहेगा। सूर्य नमस्कार करिए, साथ ही आप ओम घृण सूर्याय नमः का जाप भी कर सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ होने का योग बनेगा। साथ ही आपका जो दिमाग है वो ठंडा रहेगा और आप सकारात्मक विचार आपके जीवन में हमेशा आएगा, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद पंडित जी हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।